एक बार फिर से मेरा प्लान फ्लॉप होने की कगार पे खड़ा है। प्रज्ञा ने अभी का सारा जहर चूस लिया और फिर ये लोग उसे हॉस्पिटल भी तो ले गए। अब कैसे पता करूं कि वहां क्या हो रहा होगा? यहां से मैं जा भी तो नहीं सकती ना, पता नहीं ये लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मुन्नी क्या समझती है अपने आप को? I mean, वो है तो गांव की, लेकिन कितने ही चालाक है वो अच्छे से जानते कि हम में से कोई भी उसे पसंद नहीं करता, इसलिए हमारी नजरों में महान बनने के लिए उसने ये सब कुछ किया। वो आप चुप रहिए, पहले मुझे बोलने दीजिए। उसने सच में महान बनने के लिए किया। देखिए ना, वो पहले कितना शोर मचाया कि अभी को सांप ने काट लिया, मैं क्या करूं, और फिर हमें बाहर निकाल के खुद उसका जहर निकाला। हम सब जानते कि वो गांव से है और वो ये सारी ट्रिक्स जानती है। उसके बाद भी उसने वेट किया कि हम वहां से जाएंगे और वो खुद सबकी नजरों में महान बनेगी। सिंपति पाना चाहती थी, हमारी नजरों में महान बनना चाहती थी और उसने ये सब कुछ किया। चुप। सबकी नजरों में चढ़ने की जरूरत तो तुझे भी थी, मगर तूने क्या किया? उसने जो कुछ भी किया वो दिखावा नहीं था, उसे अभी की फिक्र थी। उसने जो कुछ किया वो कोई नहीं कर सकता है। मैं तुझे ये नहीं कह रही हूं कि तू अभी का जहर निकालती, लेकिन कम से कम अभी की जान को खतरे से बचाने के लिए कुछ तो करती। दासी, वो एक्चुअली उसने मुझे मौका नहीं दिया, वरना मैं भी कर सकती थी। हाँ हाँ, मौका ही नहीं दिया तुझे। मैं तुझे जितना जानती हूँ ना, तो मुझे इतना पता है अगर तुझे जहर निकालना आता भी ना, तब भी तू अभी के लिए ना अपनी जान खतरे में नहीं डालती। तुझे बुरा ये नहीं लग रहा कि उसने ये किया है? जो बुरा ये लग रहा है कि उसने जो किया वो तू कभी कर नहीं सकती। दासी, वो ऐसी बात नहीं है। क्या है ना कि ये करना चाह रही थी। मेरा मतलब है कि मुन्नी ने जो किया वो बहुत बहादुरी का काम किया। उसने मतलब अभी की जान बचाई, अपनी जान जोखिम में डालकर, लेकिन वो तनु की भी तो मदद ले सकती थी ना। यही कहना चाहती हो ना तुम? कहाँ जा रही हो? मैं देखो बुरा मान गई। देखो डाली, मैं बहुत टेंशन में हूँ, मैं अस्पताल जा रही हूँ। तू घर का ख्याल रख लेना, और हाँ सुन, दीदी को कुछ मत बताना, समझी ना? नहीं बताऊंगी, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी दादी को। वो तो कभी कभी बस ऐसा नहीं। मिताली, मेरे सामने तो इतनी बड़बड़ कर रही है, मेरे पीछे कितनी करेगी? गॉड प्रॉमिस ना? ठीक है, मेरे आने तक दीदी को मत बताना, मैं मौका देख के खुद दीदी को बता दूंगी। ठीक है? अब मासी जी जाओ, मैं देख लूंगा, ये बिल्कुल चुप रहेगी। ठीक है, मैं जाके आ रही हूँ। ना मत करो ना, आप जाओ ना, मैं सब संभाल लूंगी यहाँ पर। आप जाओ, मैं ऐसे बोलने नहीं दूंगा। बिल्कुल, हम लोग पहुंच गए, फटाफट से स्ट्रेचर का अरेंजमेंट कराइए जल्दी। भाई डोंट वरी, अरे स्ट्रेचर लेकर आओ। डोंट वरी, हम लोग पहुंच गए भाई, जाके। अरे कोई है? इमोशनल हो रही है इसे लेकर। आप भूल रही है दासी, प्रज्ञा नहीं है, मुन्नी है। मुन्नी तो
इसके साथ वैसे ही होना चाहिए। अब पूरे हमारी फैमिली के साथ क्या किया? मैं इसके लिए इमोशनल नहीं हो रही, मैं अभी के लिए हो रही हूँ। इसने पराई होकर भी अपना फर्ज निभाया, हमारी अभी की जान बचाई। तुम्हारी नजर में ये क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन 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 कुछ नहीं, इसके आगे तुम एक भी लफ्ज नहीं बोलोगी, समझी? बहुत हीरोइन बन रही थी ना भाई को बचाकर, भगवान करे इसे कोई बचा ना पाए और मुन्नी का ये नाटक आखिरी नाटक हो जाए। स्टेशन लाओ, उसका इलाज करो फौरन, जल्दी चलाओ, जल्दी डॉक्टर, डॉक्टर को बुलाओ। पापा जी मुझे ना बहुत टेंशन हो रही है, मतलब समझ नहीं आ रहा है ऐसा कैसे हो गया हमारे घर में, मतलब ये तो कमाल ही हो गया ना, जो कुछ भी हुआ है टेंशन के मारे ना मेरा गला सूख रहा है। बहादुर, बहादुर जरा पानी पिला दो। जी लाया। तेरा किस लिए गला सूख रहा है, हैं? टेंशन तो मुझे हो रही है, वहाँ हॉस्पिटल में सब ठीक हो, वैसे मासी जी गए हैं, ठीक से हैंडल कर लें सब कुछ। वो मैं क्या हो गया भाई? अरे कोई सोया नहीं, अभी आधी रात तक सब लोग यहाँ बैठे हुए हॉल। अरे राज आप नहीं थे ना हमारे घर में, पता नहीं क्या क्या हो गया, अब मतलब बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। क्या प्रॉब्लम आ गई मिताली? दादी दादी ठीक है ना? फिर शुरू इनकी पंचायती, सेम राम कहानी को जो मैंने बनाया था फिर से सुना रहे हैं। दादी तो ठीक है ना, अपने कमरे में सो रही है वो तो। क्या हुआ क्या? अरे ऐसा हम कोई सोच ही नहीं सकते हैं जो हुआ है, मतलब सपने में भी नहीं सोच सकते, सिर्फ फिल्मों में देखा है हम लोगों ने। मिताली फिल्मी बातें अब मत बताना, मुझे साफ साफ बताओ कि हुआ क्या, प्रॉब्लम क्या हुआ? वो क्या हुआ ना कि अभी की कुछ नहीं यार, वो अभी के कमरे में सांप घुस गया था बस, और कोई बात। अभी के कमरे में सांप घुस गया था? हाँ तो यही तो मैं कह रही हूँ ना कि ये सिर्फ हम लोगों ने फिल्मों में देखा है, हमारे घर में सांप कैसे आ सकता है, ये कोई लोना वाला बंगला थोड़ी है जो कम सांप आ जाएगा, मुंबई है ये मुंबई, अभी के कमरे में सांप आ गया था। ओके, तो किसी ने सांप निकाला घर से बाहर? अरे हम लोग सब बहुत कोशिश कर रहे थे ना पापा जी, लेकिन है ना सब इतने घबरा गए थे, और वो मुन्नी वो तो क्या बहादुर निकली, वो उसने बड़ा बहादुरी का काम किया, वो अकेली कमरे में चली गई, हम सब लोग तो बाहर ही खड़े हुए थे, वो उसने बताया कि अभी और उसने ना सांप को पकड़ लिया। अभी ने सांप को पकड़ लिया, लेकिन अभी तो हाँ तो मैं वही तो कह रही हूँ ना कि अभी तो कॉकरोच से भी डरता है, लेकिन अभी ने सांप को पकड़ लिया तो सांप ने अभी को काट लिया। सांप? दादी सांप? घबराओ ना सब ठीक है, मेरे बच्चे की रक्षा करना। इनकी शोक सभा तो चलती ही रहेगी, कभी कोई आएगा तो कभी कोई आएगा, पर मैं क्या करूं, मुझे यहां से निकलना ही होगा, मुझे हॉस्पिटल जाकर देखना ही है कि वहां हो क्या रहा है। भाभी वो मेरे घर से फोन है, मैं अटेंड कर लूं? हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम्हारे घर वाले भी तो परेशान नहीं हो रहे होंगे ना, तुम बात करो। जी फोन नहीं आया अभी तक। मैंने किया था, ठीक है वो अभी। हाँ। अभी कुछ देर में भेज देंगे। मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। हेलो हेलो, बोल क्यों नहीं रहे हो, आवाज नहीं आ रही, कहाँ हो तुम? हेलो, डरा दिया। मैंने कहाँ डराया, सीधे सीधे नहीं आ सकते थे, चलो मेरे साथ। अरे आपने तो कहा था कि अंधेरे में छुप के खड़े रहना, मैं चुपचाप खड़ा था वहाँ, आपने कहा किसी को पता चला तो फंस जाओगे ना। अरे बाबा मेरी बात सुनो, अंदर सब गड़बड़ हो गई है। क्या गड़बड़ हो गई है? मेरे सांप ने कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया क्या? कहीं उसने किसी गलत आदमी को तो नहीं काट लिया? कहीं वो मर तो नहीं गया? आपने कहा था काम हो गया, फिर गड़बड़ कहाँ होगी मैडम जी? चुप रहोगे तब बताऊंगी ना, तुम्हारे सांप ने सही आदमी को काटा है, लेकिन वो अभी की बीवी है ना प्रज्ञा, उसने जहाँ तुम्हारे सांप ने काटा था ना वहां से सारा जहर चूस के निकाल दिया। इसका मतलब उपज गया? नहीं वो बेहोश है, यही तो पूछ रहा था मुझे तुमसे कि उसके चांसेस क्या है मरने के, और उसकी वाइफ वो तो बेहोश है, और हाँ वो नीली भी पड़ गई है। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, वो क्या कहते हैं एक पन दो कांच, सोने पे सुहागा, एक के साथ एक मुफ्त, समझ गई आप? धीरे बोलो, क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है कि वो बीवी अपने पति को बचाने के चक्कर में उसका पूरा जहर उसने चूस लिया, उसने अपने पति की जान बचाते बचाते
खुद को जहर के चपेट में डाल दिया। अब चाहे जहर पेट में जाए या नस में, मेरा सांप का जहर तो जहरीला है, वो अपना असर दिखाएगा ही। अब तो मैडम जी आपको डबल पैसे देने होंगे मुझे। जस्ट शट अप, मैं पैसों की पड़ी हुई है, यहाँ मेरा पूरा प्लान गड़बड़ होने के कगार पर है। पता नहीं क्या होगा, वो अभी मरेगा या नहीं मरेगा। जब तक मैं उसे मरा हुआ नहीं देख लूंगी ना, जब तक मैं उसकी लाश नहीं देख लूंगी और उसकी पूरी फैमिली को रोता हुआ नहीं देख लूंगी, तब मुझसे पैसे की बात की तो देख लेना। गलत बोल रही है मैडम जी आप, मेरी आपकी ये बात नहीं हुई थी। मेरी आपकी ये बात हुई थी कि मेरा सांप आपके दुश्मन को काटेगा। मेरे सांप ने आपके दुश्मन को काट दिया, बात खत्म। चिल्लाने की जरूरत नहीं, समझे? तुम्हारा काम कब खत्म होगा कब नहीं, ये मैं डिसाइड करूंगी, तुम नहीं। ये अन्याय कर रही हैं आप मैडम जी। ये अन्याय कर रही हैं मैडम जी आप। इस सांप से मेरी रोजी रोटी चलती है, मैं तो भूखा मर जाऊंगा, मैं रोटी कहां से खाऊंगा मैं। ये लो पैसे पकड़ो और जाओ कुछ खा लो, अपना पेट भर लो। मुझे अब हॉस्पिटल जाना होगा, जाकर देखना होगा वो अभी मरा है या जिंदा है। अगर वो जिंदा होगा तो कैसे भी कर उसे मारना होगा, कैसे भी करके। मैडम जी आप उसे मारेंगी, मेरे पैसे तो मुझे मिलेंगे ना। इडियट, मुझे तो ये मैडम जी की नीयत ना बड़ी खराब लग रही है। अगर इसने मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं अपना हुलहुल सांप मैडम जी के ऊपर छोड़ दूंगा। ये क्या किया मुन्नी ने, मुसीबत खड़ी कर दी मेरे लिए। सबके सब मुझे सुना रहे हैं कि मैंने अभी के लिए कुछ क्यों नहीं किया। अरे मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं सांप के काटे हुए का जहर अपने मुंह से निकालूं। अब इतना प्यार भी नहीं करती मैं अभी से कि उसके लिए अपनी जान खतरे में डाल दूं। पर मुन्नी ने अपनी जान खतरे में क्यों डाली, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मेरा शक था वो बिल्कुल सही है। मतलब कि मुन्नी ऐसे ही यहाँ पे नहीं आई, उसके दिल में जो अभी के लिए प्यार है वो उसे यहाँ खींच लाया। हाँ यही वजह होगी, लोग प्यार में ही अपनी जान को खतरे में डालते हैं। मुनि ने भी वही किया, पर मुनि ने अपनी जान खतरे में डाली क्यों, मेरी जान मुसीबत में डाल दी। एक मुसीबत जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है, पर लगता है जैसे ये मुसीबत जैसे आई है वैसे चली भी जाएगी। भगवान करे वो खुद ही उस शहर से मर जाए और कभी वापस ना आए इस घर में। हाँ ऐसे ही होना चाहिए उसके साथ, वो डिजर्व करती है ये सब कुछ। जब देखो प्रज्ञा प्रज्ञा प्रज्ञा, सोते प्रज्ञा जागते प्रज्ञा, ये प्रज्ञा तो मर के भी अमर हो गई है। भाई उसे भूल भी जाते पर इस मुन्नी ने अपनी शक्ल दिखा के ना प्रज्ञा की यादों को फिर से जिंदा कर दिया। आई हेट हर। प्रज्ञा प्रज्ञा, जिसे सांप ने काटा उससे ज्यादा तो ये लड़की सीरियस है। इसने अपने हस्बैंड को बचाने के लिए सारा का सारा जहर पी लिया। हमें जल्द से जल्द इसका ट्रीटमेंट शुरू करना होगा, वरना इसकी जान खतरे में जा सकती है। नर्स इन्हें कौन लेके आया, जल्दी से उन्हें बुला के लेके आओ। क्या हुआ डॉक्टर? देखिए पेशेंट की जान बहुत खतरे में है, हमने ट्रीटमेंट तो शुरू कर दिया है पर हमें ये नहीं पता कि हम इन्हें बचा पाएंगे या नहीं। डॉक्टर आप ऐसे क्यों बोल रही है? देखिए जो मैं देख रही हूँ वही कह रही हूँ, हम इन्हें बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप कंसर्न पेपर पे साइन कर दीजिए ताकि हम ट्रीटमेंट जल्द से जल्द शुरू करें। डॉक्टर मैं इस पेपर पर कैसे साइन कर सकती हूँ? देखिए जहर सीधा इनके पेट में चला गया है और अब वो धीरे धीरे इनकी पूरी बॉडी में फैल रहा है। हमें इसे जल्द से जल्द बचाना होगा क्योंकि इनको यहाँ लाने में भी बहुत देरी हो गई है। कुछ भी हो डॉक्टर मैं इस पेपर पे साइन नहीं करूंगी। नहीं कर सकती? मतलब आप इन्हें यहाँ लेकर आई थी ना, आप इनकी कुछ नहीं लगती? नहीं वो ये तो मिसेस प्राज्ञा मेहरा है ना, मिस्टर अभी मेहरा की वाइफ। नहीं नहीं मेरा मतलब ये है कि क्या ये मिस्टर अभी मेहरा नहीं है? मतलब आपने हॉस्पिटल में झूठ बोला? नहीं डॉक्टर मैंने झूठ नहीं बोला है। देखिए आप बहुत ही क्रूशियल टाइम वेस्ट कर रही हैं, जब तक आप इस पेपर में साइन नहीं करेंगे हम ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं कर सकते। प्लीज डिसाइड फास्ट।
गुम हो गया वक्त से चुराया था जो अपना बनाया था प्रज्ञा 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 बोल रही हूँ मुझे नहीं रहा जा रहा मुझे हॉस्पिटल लेके चलो दीजी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है आप आराम करो फिर वहाँ हॉस्पिटल में आली और मासी जी गए हुए हैं ना आप ऊपर जाके कमरे में आराम करो अभी ने ठीक हो गया आ जाना है जब तक मैं अपने बच्चे को देख नहीं लेती मेरी तबीयत और भी खराब हो जाएगी मुझे जाने दो मुझे लेके चलो हॉस्पिटल दादी आप कैसी बातें कर रही हो ये वहाँ गई और अगर आपको कुछ हो गया तो हम लोग क्या करेंगे आप प्लीज यही रहो मैं आपको आपके कमरे में लेकर चलती हूँ मिताली सही कह रही दादी तुम लोग मुझे हॉस्पिटल लेके जाओगे कि नहीं नहीं तो मैं खुद चली जाऊंगा गुस्सा मत करो मैं चलता हूँ लेकर के चलो अच्छा राज ले जाए इनको हॉस्पिटल लेकिन ध्यान रखना मैं खेत चल रहा हूँ बिल्कुल एक्सर्शन नहीं करनी आराम कराना वाहिगुरु जी जिद करते हो क्या किया आप लोगों ने दादी को जाने कैसे दिया आई मीन अगर उन्हें रास्ते में कुछ हो जाए अभी को देख के कुछ हो जाए तो हाँ तो तू समझा लेती ना उन्हें जब बीजी थी यहाँ पे तब तो तू थी नहीं यहाँ पे अब लेक्चर झाड़ रही है तू ना अपने काम से बस काम रखा कर समझी मम्मी जी बिल्कुल ठीक कह रही है तनु और तुम भूल के इंदु दासी क्या कह रही थी तुम्हें खुद तो किसी की परवाह है नहीं और कोई दूसरा किसी और की परवाह कर ले तो तुम्हें उससे परेशानी हो जाती है वो लो आलिया आ गई अरे आलिया आ गई आलिया अरे वहाँ सब ठीक है ना डॉक्टर ने क्या कहा कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है प्रज्ञा का जहर निकाला कि नहीं डॉक्टर ने वो मरी तो नहीं चुप कर तू मरने मारने की बात मत कर भाई ठीक है He's out of danger now. और प्रज्ञा कैसी है क्या मम्मी जी प्रज्ञा ठीक ही होगी ना आलिया ने बताया तो कि अभी आउट ऑफ डेंजर है तो फिर प्रज्ञा को भी कुछ नहीं होगा मैं थक चुकी हूँ मैं मुझे थोड़ा काम है अरे आलिया मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ जवाब तो दे आलिया तूने अभी के बारे में तो बता दिया प्रज्ञा के बारे में तो बता वो कैसी है अरे कैसी है क्या पूछ रहे हैं आप मुझसे ताऊ जी हद हो गई आप लोगों की क्या लगती है वो आपकी मुन्नी है वो मुन्नी कोई प्रज्ञा नहीं उसकी वजह से भाई वहां पर पड़े हुए और आप लोग पूछ रहे कि वो कैसे है वो कैसे एंड स्टॉप टेकिंग हर नेम इन फ्रंट ऑफ मी मत बुलाइए इसे प्रज्ञा मेरे सामने शांत हो जाओ ये सब छोड़ो चलो मेरे से ठीक है वो कहां है वो भाई की सेक्रेटरी कहां पर है वो तो चली गई थी जब तुम गई थी ना उसके थोड़ी देर बाद वो भी चली गई का मतलब है कहां चली गई अब वो मुझे क्या पता कि सब कोई काम नहीं आता यहां पर ये लड़की नहीं सुधरने वाली ना कोई प्लानिंग होगी ना प्लॉटिंग अब सीधा एक्शन होगा तुम्हें मरना होगा इससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिल सकता तुम्हें मारने का यू विल हैव टू डाई ये तो होना ही था क्योंकि ऐसा होना लिखा था हर इंसान अपनी किस्मत अपने हाथों से लिखता है पर तेरी किस्मत मैंने लिखी थी और उसमें मौत लिखी थी
तूने मुझे मेरे किसी अपने से अलग किया, जिसके बिना मैं सांस नहीं ले सकती थी, उसे मुझसे छीन लिया। तेरी वजह से मैं जिंदा होकर भी मर रही थी। तो फिर तू कैसे जिंदा रह सकता था? मैं चाहती तो तुझे और तड़पा तड़पा कर मार सकती थी, जैसे मैं तड़पी मेरे पति के बिना। आज मेरा बदला पूरा हुआ और मुझे इंसाफ मिल गया।